शेखर का इस्तीफा, सपा सांसद नीरज शेखर का इस्तीफा आया है। और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर। वीरेंद्र जी, नीरज शेखर का इस्तीफा आया है, क्या कुछ वजह है और क्या कुछ लिखा है इस इस्तीफे में? देखिए, समाजवादी पार्टी के सांसद, राज्यसभा के सांसद है नीरज शेखर, इनके इस्तीफे की खबर है। और ये पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं और अभी इनका कार्यकाल जो है 25 नवंबर 2020 तक का है, यानी कि ये कहा जाए 1.5 साल पहले उन्होंने राज्यसभा के अपने कार्यकाल से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव में वो बलिया से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उनकी जगह सनातन पांडे को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, जिसके चलते वो काफी अलग थलग पड़े हुए थे, महसूस कर रहे थे। अब ऐसा माना जा रहा है कि नीरज शेखर भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं और वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे। तो नीरज शेखर का बहुत बड़ा फैसला है, बहुत बड़ा कदम है, और हिंदुस्तान की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी जिस तरह से अगले जातियों से दूर हो रही है, उसका बीजेपी भरपूर लाभ ले रही है। जी बिल्कुल जी। और सपा को किस प्रकार से नुकसान होगा वीरेंद्र जी, अगर सपा के नुकसान के बारे में बात करें? देखिए, सपा एक क्षेत्रीय दल है और सपा के पास चंद्रशेखर, जो देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, स्वर्गीय हैं, उनका बेटा उनकी पार्टी से सांसद था, तो बहुत बड़ी विरासत थी नीरज शेखर के रूप में समाजवादी पार्टी के पास। वो विरासत उन्होंने खो दी है और नीरज शेखर अगर बीजेपी में जाते हैं तो बहुत बड़ा झटका होगा पूर्वांचल में क्षत्रिय समाज जो एक वोटर है खासतौर से। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी की राजनीतिक रणनीतिक चूक कही जाएगी कि नीरज शेखर को वो रोक नहीं सके, अपने पाले में नहीं रख सके। हालांकि उनको उन्होंने राज्यसभा दे रखी थी, लेकिन वो लोकसभा का टिकट चाहते थे और लोकसभा टिकट न मिलने से उनका जो अपमान हुआ उसकी वजह से नीरज शेखर ने शायद ये कदम उठाया है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तुम्हारे ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह बताते हुए कि ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा नुकसान है सपा के लिए, क्योंकि एक जो विरासत के तौर पर उन्हें आप समझिए पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र हैं ये, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया और जो एक विरासत थी वो संभाल नहीं पाए सपा, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हर्जाना है और जो नाराजगी है वो खुलकर अब सामने आई है सपा सांसद नीरज शेखर की। इस्तीफा दिया है